चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस और पाइए सारी अपडेट। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ तेलुगु मूवी के बारे में। तेलुगु मूवी है भीष्म मूवी कितना अभी एडवांस बुकिंग मूवी की चली है, कितने लोग मूवी को देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, पूरी की पूरी अपडेट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, इस मूवी में नितिन मेन लीडिंग रोल में है और फीमेल लीडिंग रोल में है रश्मिका। अब मैं बात करूँ मूवी के जॉनरा की और मूवी के रिलीज डेट की, तो 21 फरवरी 2020 को इस मूवी को ऑफिशियली रिलीज़ किया जाना है। 2 आवर्स 30 मिनट की ये मूवी होने वाली है, कॉमेडी रोमांटिक मूवी होगी और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में से रिलीज़ किया जाएगा। इस मूवी को देखने के लिए 31,872 पीपल इंटरेस्टेड है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ मूवी का दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपको कहा, नितिन और रश्मिका मेन लीडिंग रोल में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वेंकी कुदुम ने। चलिए मैं आपको इस मूवी की एडवांस बुकिंग भी बता दूं कि मूवी की एडवांस बुकिंग कैसी चल रही है, वो भी हैदराबाद में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारे के सारे शोज़ हैदराबाद के हैं और हैदराबाद में मूवी की जो एडवांस बुकिंग है वो बहुत अच्छी है। सुपर्ब एडवांस बुकिंग मूवी की हैदराबाद में चल रही है, लेकिन हाँ अभी इंक्रीज़ होना इसकी एडवांस बुकिंग बाकी है। जैसे जैसे इसकी डेट नज़दीक आती जाएगी, इस मूवी का जो है कलेक्शन भी इंक्रीज़ होता जाएगा और एडवांस बुकिंग भी अच्छी होती जाएगी। 300 रुपीज़ और 200 रुपीज़ का ये टिकट प्राइस यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लगभग 75-80% ये थिएटर बुक हो चुका है। थोड़ा और डाउन चलते हैं, अब नाइट शो देख लेते हैं। तो ये जो मैं अब आपको शो दिखा रहा हूँ, यह है 10:20 का, यानी नाइट शो। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 150 रुपीज़ और 125 रुपीज़ का टिकट प्राइस है। लगभग ये थिएटर भी 60% बुक हो चुका है। चलिए थोड़ा और डाउन चलते हैं, अब हम देख लेते हैं 9 PM के आसपास शो, 9 PM यानी कि नाइट शो कैसा है। और यहाँ पे एडवांस बुकिंग देखें तो बहुत अच्छी एडवांस बुकिंग है। 80 रुपीज़ का टिकट प्राइस है, 100 रुपीज़ का टिकट प्राइस है और लगभग 90-95% ये थिएटर बुक हो चुका है। तो मूवी की एडवांस बुकिंग हैदराबाद में बहुत अच्छी है। आप कह सकते हैं कि ये आने वाले दिनों में, जैसे कि फ्राइडे में मूवी रिलीज़ होगी, तो इस मूवी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है ऑल ओवर हैदराबाद से। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे 138 रुपीज़ का टिकट प्राइस है और लगभग ये थिएटर भी फुल है, 95% बुक हो चुका है। तो ये तो थी हैदराबाद की एडवांस बुकिंग। अब चलिए देख लेते हैं क्या और जगह में भी ये मूवी रिलीज़ हुई है, मतलब स्टार्ट हुई है बुकिंग या नहीं। चलिए अब मैं आपको बता दूँ बेंगलुरु में इस मूवी को कितने शोज़ मिले हैं और कितने लोग देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। ये सारे के सारे शोज़ ये बेंगलुरु के शोज़ हैं और यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ अभी इतना क्रेज़ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे लगभग 2 से 3 सीट सी बुक हुई है, यानी कि बेंगलुरु में एक एवरेज रिस्पॉन्स इस मूवी को मिल रहा है। अभी रिलीज डेट नज़दीक जब आएगी तो और भी इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे लगभग 5% के आस लोग इस मूवी को देखने के लिए इंटरेस्टेड है, तो यानी कि एक एवरेज क्रेज़ हमें देखने को मिल रहा है बेंगलुरु सिटी में। अब लास्ट सिटी देख लेते हैं चेन्नई की, वहाँ पे क्या इस मूवी की अभी तक बुकिंग स्टार्ट हुई है या नहीं। तो चेन्नई में भी इस मूवी की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और चेन्नई में सिर्फ और सिर्फ इस मूवी को 6 शोज़ मिले हैं, यानी कि ये भी एक लिमिटेड शोज़ मिले हैं अभी तक। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं टिकट प्राइस कितना है और कितने लोगों ने अभी तक टिकट बुक करवा लिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लगभग 160 रुपीज़ और 63 रुपीज़ का टिकट प्राइस है। लगभग 10-20% के आसपास यहाँ पे भी बुकिंग अभी तक हुई है। चलिए अब थोड़ा कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। मैं कलेक्शन के बारे में बात करूँ तो मुझे लगता है कि पहले दिन में हो सकता है ये मूवी लगभग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करूँ तो वहाँ पे 4 करोड़ के आसपास शेयर कलेक्शन, 3 से 4 करोड़ के आसपास शेयर कलेक्शन। और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो मूवी 8 से 10 करोड़ के बीच में ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है। वैसे आपको क्या है कहना कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।